नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं राम कुमार सिंह और आप देख रहे हैं कुमार सिंह पोल्ट्री। दोस्तों, हमारे फार्म में आज 13 दिन के चिक्स हो गए हैं। अब शुरुआत में जब हम चूजों को एक ही फार्म पे इकट्ठा रखते हैं जाड़े के दिनों में, ताकि हम ब्रूडिंग बना के उसमें हम अपना टेम्परेचर मेंटेन रखें। फार्म का टेम्परेचर जहाँ पे ब्रूडिंग बनाई जाती है वहाँ पर बुखारी जलाकर फार्म का टेम्परेचर हम मेंटेन रखते हैं। अब चिक्स थोड़ा बड़े हो गए हैं, 13 दिन के हो गए हैं, इसलिए अब चिक्स को इस फार्म में भी लाया जाएगा। आधे चिक्स पहले वाले सेट में रहेंगे और आधे चिक्स इस वाले सेट में रहेंगे। इसलिए दोस्तों, मैंने इस फार्म में लगभग सारी व्यवस्था कर ली है। इसमें जो देख रहे होंगे आप, लाइन से सभी ऑटो ड्रिंकर और ऑटो फीडर लगा दिए गए हैं। चिक्स आने से थोड़ा पहले इसमें हम फीडर में फीड लगा देंगे। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि पोल्ट्री फार्मिंग में कोई ऐसा सिलेबस नहीं होता है कि हम एकदम उसी लिखे हुए सिलेबस को फॉलो करें कि हमें पहले दिन क्या करना है, दूसरे दिन क्या करना है, या मान लीजिए कि 10 दिन पे, 12 दिन पे, 15 दिन पे क्या करना है। ये पोल्ट्री फार्म में जो परिस्थितियां होती हैं, उस समय जो भी परिस्थिति होती है उस परिस्थिति के हिसाब से ही हम अपना मैनेजमेंट रखते हैं और जो मेडिसिन चलानी होती है वो मेडिसिन हम चलाते हैं। इसलिए जब हम यूट्यूब पे किसी यूट्यूबर का वीडियो देखते हैं कि 12वें दिन हमें ये करना है या 13वें दिन हमें ये करना है, तो कोई जरूरी नहीं है कि आपके फार्म में भी वही परिस्थिति हो 12वें और 13वें दिन, तो आप वही चीज चलाएं। आपको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा कि चिक्स को उस समय किस मेडिसिन की जरूरत है, किस मैनेजमेंट की जरूरत है, उस हिसाब से आपको काम करते रहना है। दोस्तों, पोल्ट्री फार्मिंग में काम करते रहने से ही अनुभव आता है। लेबर तो मान लीजिए काम करते हैं, लेकिन जो पोल्ट्री फार्म का मालिक होता है उसको पूरे मैनेजमेंट पर ध्यान देना होता है, तो धीरे धीरे काम करते रहने से अनुभव आ जाता है और उसी अनुभव के हिसाब से फिर आप अच्छे तरीके से पोल्ट्री फार्मिंग कर सकते हैं। दोस्तों, मैं सुगना के साथ में कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्मिंग कर रहा हूँ। पोल्ट्री फार्मिंग करते हुए मुझे लगभग 9 साल हुआ और सुगना से पोल्ट्री फार्मिंग करते करते मुझे अब जो अनुभव मुझे मिला है इतने दिनों में, वो मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताता हूँ। दोस्तों, कल मेरे लिए एक सम्मान मिला है सोना फूड्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से, वह मैं आपको दिखाना चाहता हूं। दोस्तों, यह सोना फूड्स प्राइवेट लिमिटेड जो पोल्ट्री फार्मिंग के क्षेत्र में काम कर रही कंपनी, भारत की नंबर वन कंपनी है। इसके एमडी द्वारा हस्ताक्षरित यह सर्टिफिकेट मुझे कल फैजाबाद ब्रांच के मैनेजर श्री अमित सिंह जी के द्वारा मिला है। यह सम्मान पाकर मैं काफ़ी खुश हूं और साथ में मुझे ये गोल्ड क्वाइन भी मिला है। यह सम्मान पोल्ट्री फार्मर को बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए मिलता है। यह सम्मान मुझे जो मिला है यह तो 2019 का है, लेकिन लगभग 2-3 महीना समय लग जाता है क्योंकि यह सर्टिफिकेट तमिलनाडु से बनकर आता है। दोस्तों, इस तरह से जो सम्मान हमें मिलते हैं, यह सम्मान पाकर के हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। जब हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है तो हमें और अच्छा काम करने के लिए प्रेरणा मिलती है कि हम आगे भी और अच्छे से अपने क्षेत्र में काम करें ताकि हमें ऐसे सम्मान मिलते रहें। दोस्तों, मैं जो वीडियो बना रहा हूं तो आप लोगों से उसके लिए मेरा अनुरोध है कि मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करते हैं और जब वीडियो पर व्यूज आते हैं, कमेंट्स आते हैं, उनसे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हमें और अच्छा कार्य करते रहने के लिए इससे प्रेरणा मिलती रहती है और इससे एक आत्मविश्वास बढ़ता है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। इसी के साथ में आप सभी व्यूअर्स का धन्यवाद।